Hello cricket lovers, my name is Akshay and you're watching Cricket is Love. तो गाइज आज वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मुंगूस बैट के बारे में। तो मुंगूस बैट का नाम आपने नाम से पहचान लिया होगा, मुंगूस जो कि एक जानवर है उसके नाम से पड़ा है, क्योंकि इस बैट का जो हैंडल होता है मुंगूस की टेल की तरह बहुत लंबा होता है और मुंगूस का और मुंगूस बैट का शेप लगभग सेम ही दिखता है। मुंगूस बैट का जो हैंडल होता है वो 43% लंबा होता है और ब्लेड 33% शॉर्टर होता है रेगुलर बैट के मुकाबले में। और मुंगूस बैट का इस्तेमाल सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने सीएसके की तरफ से खेलते हुए दिल्ली डेयरडेवल्स के खिलाफ 2010 में किया था। इस मैच में उन्होंने 93 रन बनाए थे 43 बॉल्स में, जिसमें 7 छक्के भी शामिल थे। मुंगूस बैट यूज़ करने से पहले धोनी ने मैथ्यू हेडन को कहा था कि आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट इन लाइफ टू नॉट टू यूज़ दिस बैट, प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस बैट। धोनी ने हेडन को ऐसा कहा था क्योंकि ये बैट पहली बार देखी गई थी और इस बैट का ब्लेड काफ़ी छोटा था तो आउट होने का खतरा भी था। मुंगूस बैट की खास वजह यह है कि इस बैट में 100% स्वीट स्पॉट है, यानी कि बैट के किसी भी हिस्से पर बॉल लगे तो बॉल जाएगी बाउंड्री के पार। मुंगूस बैट से निकला हुआ बॉल 20% ज़्यादा दूर जाता है कंपेयर टू रेगुलर बैट। इतने सारे एडवांटेज होने के बाद भी मुंगूस बैट क्यों यूज़ नहीं की जाती, प्लेयर्स क्यों मुंगूस बैट यूज़ नहीं करते? तो इसकी वजह यह है कि मुंगूस बैट यूज़ करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मुंगूस बैट सिर्फ बॉल को हिट करने के लिए बनी हुई है, इससे अपन डिफेंस नहीं कर सकते। अगर डिफेंसिव शॉट खेला जाए तो 100% स्वीट स्पॉट के कारण सीधा फील्डर के हाथ में कैच जाने का खतरा बना रहता है। और एक मेन वजह यह है कि ब्लेड की साइज़ कम होने के कारण बॉल मिस होने की और बैट्समैन को इंजर्ड होने का खतरा बना रहता है। शायद यही वजह है कि मुंगूस बैट को बैट्समैन आजकल यूज़ नहीं करते। अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आया हो या कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।